जिस स्थिति में मैं हूँ, तीन चार दिन से यही लग रहा है कि अभी हार्ट अटैक आ जाएगा और खत्म हो जाऊंगा। रियल में कभी ऐसा नहीं सोचा। क्या मामला था, क्यों पहुंच जाते हैं थाना, अदालत, जेल, ये सब क्यों हो रहा है? इसमें मतलब मेरे भावना के साथ और मेरे जज्बात के साथ, मेरे इस जो अच्छाई या सच्चाई जो सब लोगों को मान लेता हूँ, इसके साथ इतना खतरनाक खेल खेला गया। कौन खेल रहा है? मेरी वाइफ और अर्जुन। अर्जुन कौन है? जो हमारे साथ रहता था, मैकेनिक का काम करता था, पहले हमारे साथ आया। हम लोग सभी लोगों के साथ ऐसे रहता था जैसे कुछ नहीं। हमारी बीवी के साथ बहन बनाया था, राखी भी बंधवाया था। और हम सोचे भाई, देखिए कोई भी भाई बहन का रिश्ता इतना भी खराब नहीं होता है। उस चीज को लेकर के हमारे घर भी आता था। उसके लिए यहाँ तक कि 12 बजे अगर वो बोल दे खाना, तो रोटी बना के देती थी। अगर दो दिन में भूखा रहो तो मेरे लिए कोई बात नहीं था। जिस तरह गाइड कर, जितना भी झगड़ा होता था सब में, गाइड अगर बोल दे मालती तुमको ये करना है, मतलब बैग से, तो वही करती थी। और आज यहाँ तक मैटर आया कि हमसे तलाक लेके शादी उससे करने का, मेरे पास सब सबूत है और बहुत जल्द मैं दिखाऊंगा सब। और उसके साथ साथ मुझे जान से मार के खुद मरने का प्लान किया था। और यहाँ तक कि मेरे स्टूडियो पे आके मुझको भद्दी भद्दी गालियां दिया। और उसके बाद फिर यहाँ से गया, फिर बहुत कुछ कहा यहाँ भी, और बोला अगर मुझे कुछ कहता तो यहाँ बात यह कि रिकॉर्ड की मालती का कॉल कोई भी रात को अगर फोन करे तो रिकॉर्ड करना। इसी बात पे वो रात को आया, हम लोग को गाली भी देने लगा स्टूडियो पे। हम थे और मिश्रा जी थे, मिश्रा जी को मारने जा रहा था। मिश्रा जी पैर भी पकड़े, भैया काम से हुआ, हम बोले, गाली भी देने लगा। उसके बाद फिर यहाँ मैटर धीरे धीरे पता चला। हमारे राहुल भाई जो कि सबको कुछ विवाद में, ऐसे कुछ कुल्लो के चक्कर में कि राहुल हमसे विवाद कर लिए हैं, तो इस चीज को लेकर के ऐसे हुआ। तो राहुल भाई से सब अपनी ओपिनियन बताए। जब वो सुसाइड करने जा रहा था मेरा नाम लेके, बहुत खतरनाक, मुझे गाली माँ बहन की दिया। और उसके बाद तब राहुल भैया बता, ऐसे ऐसे बात हो रहा विष्णु, और तुम्हारी ये है कि बताओ। तो मैं बोला भैया ठीक है, आप उन लोगों से बात करिए और जो भी आप सलाह जैसे देना दीजिए, ताकि हमको सारी सच्चाई पता चले। तो राहुल भैया की वजह से हम लोगों ने वहां तक पहुंच गया, जहां भागने तक का भाग भी गए। उसके बाद फिर तब मैटर शुरू हुआ। और इधर बीच में कल उसके बाद सुबह आया, मिश्रा जी के फिर घर गया, बोला हम आपको नहीं विष्णु को टारगेट करने आए थे, मारे थे। और यही बात अमरनाथ से भी बोला कि हम विष्णु राज को मारने आए थे रात को। उसके बाद फिर से मैटर है, मारपीट हुआ था दोनों लोगों में, मारपीट। अब देखिए हाथापाई हो गई थी, लेकिन यही स्टूडियो था, डर रहा था थोड़ा वो भी। और उसके बाद गाली गलौज हुआ था। और उसके बाद हमें कहा भी, उसके बाद फिर यहाँ, फिर उसके बाद मारने का, कल भी सुसाइड करा तब भी खूब गाली दे रहा था। उसके बाद फिर इधर हमारी बीवी भग गई उसको लेके, उसके साथ। फिर रात को जब हमने ये किया तो नैहर में थी, और हमारे ससुराल में भी जाकर बिना बताया आपकी बीवी चली जाती है। हाँ, और वो भी वही ऑटो भिजवाता है। चौकी पर भी मैटर गया, चौकी पर गया, फिर ना जाने मेरे साथ क्या हुआ कि हम भी जेल गए और वो भी जेल गया। हमें यही नहीं समझ में, एप्लीकेशन किसके द्वारा दिया जाता है? मेरे द्वारा दिया गया था। और जो आरोपी, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उसी के ऊपर किए थे। हाँ, कि उसमें जो है मेरी बेबी और दोनों लोग भाग गए। अच्छा, एप्लीकेशन भी आप ही देते हैं और आप ही जेल में रहते हैं? हाँ। क्यों? 3 घंटा अंदर थे बंद, उसके बाद फिर क्या 151 धारा जैसे कुछ लगा था। उसके बाद फिर हम छूटे और दो गवाह लगे थे, सब लोग लगे थे। उसके बाद अभी हम आए और सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाए। अच्छा, आरोपी जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उससे आपसे आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी और कैसे भाई बहन बन जाते हैं? हमारी गाड़ी पहले लड़ी थी, तो बार बार फोन करते थे, हम फोन नहीं उठाते। एक बार फोन किया, बोले कि आपकी गाड़ी लड़ी है, ऐसी ऐसी बात है। वहाँ से विश्वास बनाए थोड़ा थोड़ा। और उनके साथ एक प्रधान रहते थे जो कि नाथनगर के प्रधान है। वो भी उस समय थे, तभी से ऐसे आने लगे इधर, तो कि भैया हमारा सपोर्ट करिए। मैं ठीक है, चलिए भैया चलिए। और उसके बाद धीरे धीरे करता गया। तो यहाँ फिर मेन बात हुआ कि जैसे एक रिश्ता बन गया भाई, जब बोली कि मालती हमारी बहन है, भाई मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी अपनी सगी बहन नहीं मानती है, तुम मेरी बहन बन जाओ। राखी भी बांधी मालती, राखी का वीडियो भी बना। उसके बाद इन लोगों में ऐसा कैसे प्यार हुआ कि हमें समझ में नहीं आया कि हमको मारने का दोनों लोग प्लान बना लिया कि इसको साइड खत्म करके हम लोग चलते हैं। क्योंकि रात को मारने आया था तो बिना एक के मत से नहीं आया। फिर जब बवाल किया तो मालती भी वहां से रात को चली आई। आखिर कैसे उसको पता रहेगा? अच्छा, बाकी जो है, जो जिस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं,
कुछ एविडेंसेस है आपके पास? मेरे पास 41 ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है जो कि राहुल भाई के द्वारा मिले हैं, क्योंकि वही अगर नहीं होते तो आज कसम से बता रहा हूँ हो सकता मैं इस दुनिया में नहीं रहता। तो मित्रों देखिए, उत्तर प्रदेश के काली जगदीशपुर से फिर से ज्योति मौर्य का एक जो केस है, आलोक मौर्य का जो एक केस था, एक नया रूप धारण कर रहा है। देखिए, मालती कुछ जब नहीं थी, मैंने उसको बनाया, सबको पता है, 2 रुपए का सामान मांगती थी 200 का देता था। कोई भी ऐसा चीज नहीं जो मैंने नहीं उसका शौक पूरा किया। एक बार सामान चोरी हो गया था, मैं उधार खरीद के ला के दे दिया, और हर चीज है जो भी कहती थी एक बार कर देता था। और उसके बाद इधर जो है, यहाँ तक जब से इंटरफेयर किया हमारे लाइफ में, तभी से झगड़ा पहले भी बहुत होता था। कैसे पकड़े थे आप? उतना दर्द नहीं होगा जितना एक आम आदमी को काटने पे होता है अभी। अच्छा, शादी के बाद से ही अगर इस तरीके का माहौल होता है, और तकरीबन कितना समय पहले ये जो है आपके लाइफ में इंटरफेयर किया है? 6 से 7 महीने हुए। 6-7 और वही ला के सिम भी दिया। जब से इधर 20-25 दिन से मैटर चल रहा था तब से मेरा नंबर ब्लॉक है, आज तक नहीं खुला है। मैं बोला क्यों नहीं कि कल सब और हमारे ग्रुप के सभी लोगों का, जो कि ऐसा हो सकता कल हमको जहर दे के मार डाले, हो सकता फिर किसी को बुला के मरवा डाले। हमको देखिए, उसके बिना परमिशन से हम टच नहीं कर पाते। अगर बोलता कि टच करो करने दो, तब टच करने दो, ऐसा उन लोगों में बात चलता था। और यहाँ तक कि 20-20 दिन तक मैं उसे टच नहीं करता था। कोई भी हमारा ऐसा संबंध नहीं जा तो 20-25 दिन ऐसा हो जाता था, उनके बिना मर्जी के कारण मैं उनको छू नहीं पाता था। यहाँ तक मामला आ गई थी। और मैं स्टूडियो पे सो रहा था, घर से निकाल दिए जाते हैं बगैर मर्जी के, अपने पत्नी को टच नहीं कर सकते। ऐसे एक ऑडियो है, बहुत से ऐसे हैं, इतने हैं कि साला जिस दिन शादी हो जाएगा उसके बाद देखता हूँ छूता हूँ तो मार डालेंगे, ऐसा भी शब्द प्रयोग किया गया है। एक में बकायदा वीडियो बना के हमको गाली दिया है। बताइए क्या मेरा यही है? हम लोग छोटे जात के, तो हमको कोई भी ऐसे गरिया के चला जाएगा, हमारा नहीं सम्मान है। मित्रों जो है, काली जगदीशपुर से एक पारिवारिक विवाद, पति पत्नी का विवाद, जिसमें एक थर्ड पर्सन इंटरफेयर करता है, पहले बहन बनाता है और बहन बनाने के बाद जो है प्रेमिका बना लेता है, बीवी प्रेमिका बना लेता है। हाँ, और बीवी बनाने फिराक में है, फिराक में है और करेगा भी, क्योंकि हम जानते हैं हमको छोड़ेगा नहीं, दोनों लोग मिलकर हमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इतना तक हो गया। आज भी मालती उसी के गुड़ गाएगी और हमें पता है हर चीज, हमको लोग छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, हम अकेले कहीं निकल नहीं पाएंगे। और वो हम जानते हैं, वो यही सीधे बोला कि अगर मेरा नाम कोई लेके कहता तो मैं छोड़ता नहीं उसको। और उसी दिन से हमें डर लग रहा है, बस यही कि कल मैं गोरखपुर था तभी ये लोग कांड किए ऐसा। मैं यही जानता हूँ अगर अकेले कहीं जाऊंगा तो हमको मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। चलिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्यार चल रहा था, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना होगा। चलिए, ये संत कबीर नगर का मामला है, मशहूर यूट्यूब